वैदिक ज्योतिष शास्त्र में नवग्रह में चंद्र ग्रह को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है, क्योंकि चंद्र हमारी मानसिक स्थिति, हमारे व्यवहार, हमारी कल्पना का कारक ग्रह है। चंद्र हमारी माता का कारक ग्रह है। चंद्र हमारे सुख का कारक ग्रह है। जन्म कुंडली में जब चंद्र पीड़ित होता है तब माना जाता है कि व्यक्ति का जीवन दरिद्रता में गुजरता है। व्यक्ति को अपने जीवन में कोई भी सुख प्राप्त नहीं होता। व्यक्ति की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होती। जन्म कुंडली में चंद्र के प्लेसमेंट के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति आजीवन किस प्रकार की रहने वाली है, क्योंकि किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति अगर सुदृढ़ है तो ऐसे में उसके जीवन में आने वाले बड़े से बड़े चैलेंजेस को वो आसानी से झेल लेगा। वहीं जन्म कुंडली में लाख राजयोग बन रहे हों किंतु अगर चंद्र पीड़ित है तो ऐसे में व्यक्ति मानसिक स्थिति कमज़ोर होने से, कल्पना शक्ति कमज़ोर होने से अपने जीवन में बनने वाले उन राजयोगों का कोई भी लाभ नहीं ले पाएगा। अगर कोई व्यक्ति बहुत जल्दी घबरा जाता है, कोई व्यक्ति अगर बहुत जल्दी निराशा में चला जाता है, कोई व्यक्ति अगर अपने सोचने समझने की शक्ति विकट परिस्थितियों में खो देता है तो निश्चित तौर पर उस जातक की जन्म कुंडली में चंद्र पीड़ित है और ऐसा जातक अपने जीवन में आने वाली किसी भी परिस्थिति का अच्छे से सामना ही नहीं कर सकता और ना ही किसी लाभ की परिस्थिति का कभी कोई लाभ उठा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को अपने जन्म के समय अपनी माता का प्रेम प्राप्त नहीं हुआ तो ऐसे में व्यक्ति का लालन पोषण सही नहीं हो सकता, और जिस व्यक्ति का, जिस स्त्री पुरुष का पालन पोषण ही सही नहीं हुआ हो उस स्त्री पुरुष के जीवन में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त होना अपने आप में एक स्वप्न की तरह होता है। ज्योतिष शास्त्र में तो चंद्र को जन्म की शुरुआती 12 वर्ष की अवस्था का कारक माना गया है, अर्थात अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में चंद्र बलि है तब कह सकते हैं कि जातक के जीवन के शुरुआती 12 वर्ष बहुत ही अच्छे से निकलेंगे। वहीं अगर चंद्र पीड़ित है तो जातक की माता को भी कष्ट होगा, जातक का लालन पोषण भी अच्छे से नहीं हो पाएगा और शुरुआती 12 वर्ष भी जातक के बहुत अच्छे से नहीं बीतेंगे। अब आप कल्पना कीजिएगा कि अगर किसी बच्चे को शुरुआती 12 वर्ष सुख प्राप्त ना हो, प्रेम प्राप्त ना हो, वात्सल्य प्राप्त ना हो तो ऐसे में बच्चे की मानसिक स्थिति सुदृढ़ हो ही नहीं सकती, और चंद्र को ही इसलिए ज्योतिष शास्त्र में वात्सल्य का कारक माना गया है। किसी व्यक्ति को जीवन में कितना प्रेम मिलेगा यह भी चंद्र के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। चंद्र की बलि स्थिति ही किसी व्यक्ति को अपने जीवन में प्रेम प्रदान करती है। बहुत सारे लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं कि इस जीवन में सब कुछ मिल गया किंतु प्रेम नहीं मिला, तो जो प्रेम ना मिलने की शिकायत है वह जन्म कुंडली में चंद्र का पीड़ित होना ही दिखाती है। ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव को वाहन सुख और ग्रह सुख का भाव माना गया है और चतुर्थ भाव के अधिपति चंद्र है, तो जन्म कुंडली में चंद्र की स्थिति यह दिखाती है कि किसी व्यक्ति को अपने जीवन में किस प्रकार का वाहन सुख प्राप्त होगा, किस प्रकार का ग्रह सुख प्राप्त होगा। अगर कोई व्यक्ति बार बार मकान बनाने की सोचता है किंतु फिर भी मकान नहीं बना पाता, भवन नहीं खरीद पाता, किसी व्यक्ति को घर का सुख प्राप्त नहीं होता, तो ऐसे जातक की जन्म कुंडली में निश्चित तौर पर चंद्र कहीं ना कहीं पीड़ित होगा। आप बहुत सारे लोग ऐसे देखेंगे जिनके पास धन तो बहुत है, आलीशान बंगले जिनके पास हैं, किंतु घर में रहने का सुख नहीं है, एक रात भी घर में चैन से सो नहीं सकते। ऐसे लोगों की जन्म कुंडली में चंद्र आपको पीड़ित मिलेगा ही मिलेगा। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि नींद की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है, रात को नींद नहीं आती, तो यह जन्म कुंडली में चंद्र की कमज़ोर स्थिति को ही दिखाता है। कुछ लोगों को उम्र के बढ़ने के साथ साथ नींद की इतनी प्रबल समस्या हो जाती है कि दवाई अभी उन पर काम नहीं करती, तो यह जन्म कुंडली में चंद्र की कमज़ोर स्थिति के कारण ही होता है। वैदिक ज्योतिष में तो चंद्र लगन को मुख्य लगन से अधिक प्राथमिकता दी गई है। कहा जाता है कि जन्म लगन से पहले चंद्र लगन का विश्लेषण होना चाहिए, क्योंकि कारण सीधा सा है कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति, मानसिक विचारधारा चंद्र ही निर्धारित करता है। चंद्र पर आने वाले प्रभाव ये बताते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार के राजयोग भोग सकता है। अब मान लीजिएगा किसी व्यक्ति का जन्म लगन तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है,
किंतु चंद्र लगन अपने आप में पीड़ित हो गया। तो ऐसे में जन्म लगन से बनने वाले राजयोग चंद्र लगन के पीड़ित होने के कारण व्यक्ति जीवन में भोग ही नहीं पाएगा। वैदिक ज्योतिष में गुण मिलान की पूरी टेक्निक चंद्र के आधार पर, चंद्र के नक्षत्र के आधार पर डिसाइड की गई है। आपने विवाह से पहले कुंडली मिलाई होगी, तो वो जो कुंडली मिलान होता है, जो अष्टकूट मिलान होता है, वह पूरा का पूरा चंद्र किस राशि में बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है, इसके आधार पर ही होता है। अर्थात चंद्र ना केवल हमारी मानसिक स्थिति, हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी ग्रह स्थिति, बल्कि हमारी वैवाहिक स्थिति को भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है। क्योंकि किसी व्यक्ति की मानसिक विचारधारा अगर दूसरे व्यक्ति से नहीं मिलती, तो दो अपोजिट विचारधारा के लोग, दो अपोजिट माइंडसेट के लोग एक साथ नहीं रह पाएंगे। इसलिए जब जन्म कुंडली में मिलान किया जाता है, तो चंद्र की स्थिति से दो लोगों की मानसिक स्थिति ही देखी और समझी जाती है, ताकि यह जाना जा सके कि क्या ये दो लोग अपना जीवन एक साथ बिता सकते हैं। अगर जन्म कुंडली में अष्टकूट मिलान अच्छे से नहीं हो रहा, तो बहुत सारे विद्वान इसी आधार पर जन्म कुंडली ना मिलने से जातक जातिका का विवाह निर्धारित नहीं करते। चंद्र ही हमारी शरीर की रक्त वाहिनियों में बह रहे रक्त को कंट्रोल करता है, और इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी पूर्णिमा का चंद्र होता है, तब बहुत सारे लोगों को कई अलग अलग तरह की मानसिक या शारीरिक परेशानियां होती हैं। क्योंकि जब चंद्र पृथ्वी के निकट आता है, तो गुरुत्व आकर्षण के कारण वह हमारी रक्त के प्रवाह को, रक्त के प्रवाह को कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है। और इस वजह से कुछ लोगों को कई बार, अक्सर आपने यह कहते हुए सुना होगा कि कुछ विशेष तिथियों पर मुझे अलग अलग तरह की परेशानियां होती। फीमेल्स को उनके मंथली साइकिल में चंद्र की स्थितियों का बहुत ही ज़्यादा सामना करना पड़ता है। जिन फीमेल्स का मंथली साइकिल पूर्णिमा के आसपास आता है, उनको कई बार बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग या फिर बहुत ज़्यादा पेन का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जैसे जैसे चंद्र पृथ्वी के पास आएगा, वैसे वैसे उसका गुरुत्वाकर्षण आपके रक्त को प्रभावित करेगा, और वह व्यक्ति की शारीरिक स्थिति के अनुसार उनको किसी न किसी प्रकार का कष्ट देगा। और यह अपने आप में पूरी तरह से प्रमाणिक है कि जैसे जैसे चंद्र पृथ्वी के निकट आता है, वैसे वैसे ही समुद्र की लहर ऊपर उठती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण से समुद्र की वह लहर ऊपर खींचती चली जाती है। और इसी तरह से शरीर में भी, क्योंकि 70% वाटर है, तो इसलिए जैसे जैसे चंद्र पृथ्वी के निकट आता है, वैसे वैसे हमारे शरीर में, हमारे रक्त में भी उस गुरुत्वाकर्षण की वजह से कई प्रकार के बदलाव आते हैं। जन्म कुंडली में चंद्र किस भाव में बैठा है, इसके ऊपर आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि किसी भाव विशेष में बैठकर चंद्र किसी व्यक्ति को एक अलग प्रकार का माइंडसेट दे सकता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के लग्न में अगर चंद्र बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा। ऐसा व्यक्ति कई बार अपने जो भी मानसिक और शारीरिक बल हैं, उनका बहुत अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएगा। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए इमोशन जहाँ उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है, वहीं सबसे बड़ी कमज़ोरी भी हो जाती है। मान लीजिएगा किसी व्यक्ति को आपने एक ऐसी कंडीशन में फंसा दिया जहाँ पर कि उसको दिल और दिमाग दोनों में से किसी एक का साथ देना है, तो लग्न के चंद्र वाले जातक अपने दिल की सुनेंगे और अपने करेज को, अपने साहस को पूरी तरह से सामने वाले पर थोप नहीं पाएंगे। तो ऐसे में ये लोग कई बार कमज़ोर पड़ जाते हैं। लग्न में अगर किसी व्यक्ति के चंद्र बैठा है, तो ये लोग कई बार अपना खान पान बहुत अच्छे से ध्यान पूर्वक नहीं कर पाते, जिस वजह से इनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे लोगों को रक्त विकार कई बार हो जाते हैं। लग्न में अगर चंद्र बैठा है, तो ऐसे लोग देखने में आपको बहुत सुंदर मिलेंगे। ऐसे लोगों की स्किन आपको कई बार बहुत साफ़ सुथरी मिलेगी, और ऐसे लोग अपनी फैमिली से, अपनी माता से बहुत ज़्यादा अटैच्ड मिलेंगे। लग्न में अगर चंद्र बैठा है, तो ऐसे लोगों की इमेजिनेशन बहुत अच्छी होगी। ऐसे लोग बहुत ही बढ़िया कल्पनाशीलता से रिलेटेड काम कर सकते हैं, राइटिंग अच्छी कर सकते हैं, सिंगिंग अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि चंद्र को कहीं ना कहीं कला से भी संबंध रखते हुए देखा जाता है। तो इसलिए लग्न और पंचम भाव में जिन लोगों के चंद्र होते हैं,
उन लोगों का एक नेचुरल म्यूजिक से, आर्ट से इंटरेस्ट होता ही होता है। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में जिस जातक के चंद्र होगा उस जातक की आइज बहुत आपको सुंदर मिलेंगी। जन्म कुंडली का द्वितीय और द्वादश भाव हमारी आइज के हाउसेस हैं। इन दोनों भावों में चंद्र अगर बैठेगा तो आइज को एक बहुत ही मैग्नेटिक क्वालिटी देंगे, क्योंकि चंद्र खुद से आँखों का कारक है और आँखों के कारक भाव में जब चंद्र बैठेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी आँखों पर विशेष प्रभाव डालेंगे और आँखों पर यह विशेष प्रभाव व्यक्ति की आँखों को सुंदरता प्रदान कर देता है। द्वितीय भाव हमारे फेस का भाव है और चंद्र भी सुंदरता से क्योंकि संबंध रखते हैं तो ऐसे लोगों का फेस बहुत सुंदर मिलेगा। द्वितीय भाव फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का, फाइनेंशियल गेन का भाव है और चंद्र को सुख का कारक माना गया है, तो ऐसे लोगों को धन का सुख मिलना लगभग लगभग निश्चित होता है। परिवार से ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा धन मिलता है, ऐसे लोगों की माता बहुत ज़्यादा धनी मिलती है, यानी कि माँ ने कहीं ना कहीं अपने पास बहुत ज़्यादा पैसे का, ज्वेलरी का कलेक्शन किया हुआ होता है, जो कि एक समय जातक को ट्रांसफ़र होता है। जन्म कुंडली के तृतीय भाव में जिस जातक के चंद्र बैठेगा ऐसे जातक सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव मिलेंगे। आप देखेंगे ना, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि भाई दिन रात 24 घंटे इंस्टा पर पड़े रहेंगे, FB पर पड़े रहेंगे, कुछ ना कुछ स्क्रॉल करते रहेंगे, कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहेंगे। तो ऐसे लोग आपको वही मिलेंगे जिनके तृतीय भाव में चंद्र बैठा है, क्योंकि तृतीय भाव सोशल मीडिया और उस तरह की एक्टिविटीज़ का भाव है, और चंद्र क्योंकि आपका मन है तो आपका मन सोशल मीडिया और उससे जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ में पूरी तरह से इन्वॉल्व है। तृतीय भाव में अगर चंद्र बैठा है तो ऐसे लोग अपने फ्रेंड्स के साथ मस्त मोला होकर घूमना पसंद करेंगे। तृतीय भाव में अगर चंद्र बैठा है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बातूनी होंगे और बहुत ज़्यादा लाइफ को जिंदा दिली के साथ जीना पसंद करेंगे। जन्म कुंडली के अगर चतुर्थ भाव में चंद्र बैठा है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल होते हैं, इनको कुछ छोटी सी भी बात कह दो और वो इनको दिल को लग जाए तो ये एकदम रोने पर आ जाते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारे मन का भाव है और चंद्र चतुर्थ भाव में बैठकर दिग्बली हो जाते हैं, अर्थात चंद्र की जितनी भी क्वालिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, तो मन के ऊपर चंद्र का एक विशेष प्रभाव आता है जिससे ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। चतुर्थ भाव में अगर चंद्र बैठा है तो ऐसे जातक का अपनी माता से बहुत ही ज़्यादा जुड़ाव होता है। चतुर्थ भाव में अगर चंद्र बैठा है तो ऐसे लोगों का मिल्क प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, अर्थात ऐसे लोगों को दूध और दूध से बनी चीज़ें, दूध से बनी मिठाइयाँ खाना बहुत ज़्यादा पसंद आपको मिलेगा, फ्रूट्स खाना पसंद होगा, ऐसे लोगों को जूस पीना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। चतुर्थ भाव में अगर चंद्र बैठा है तो ऐसा जातक बाहर घूमना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करेगा, ऐसे लोगों को अपना कंफर्ट मिलेगा अपने घर के अंदर, और ऐसे लोग आप देखेंगे अपने घर के आसपास एक बगीचा सा बना कर रखते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को नेचर से जुड़ना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ऐसे लोगों के घर हरियाली से भरे हुए मिलेंगे, साफ़ सुथरे में आपको मिलेंगे, और ऐसे लोगों के घर के आसपास आपको कोई वाटर सोर्स मिलेगा, या फिर कुछ लोग होता है जैसे कि घर में एक्वेरियम ला कर रख लेते हैं, उस तरह की नेचर इन लोगों के अंदर आपको मिलेगी। जन्म कुंडली के पंचम भाव में जिन लोगों के चंद्र बैठा होगा ऐसे लोग, मैंने शुरू में भी कहा कि आर्ट से जुड़े हुए होंगे, और ऐसे लोग अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा लॉयल होंगे और इनका जो लव पार्टनर होगा वो भी इनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल मिलेगा, क्योंकि पंचम भाव आपके प्रेम संबंधों का भाव है और चंद्र क्योंकि इमोशन का भाव है, तो अर्थात आप अपने प्रेम संबंधों के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित हैं, इमोशनल हैं, और आपका लव पार्टनर भी, आपका बॉयफ्रेंड आपका गर्लफ्रेंड भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है। कई बार ये इमोशंस इनकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स का कारण बनते हैं, क्योंकि जहाँ बहुत ज़्यादा इमोशंस जुड़े जाते हैं या ओवर पोजिशन रेंस जुड़ जाती है वहाँ पर लव लाइफ में अक्सर प्रॉब्लम्स आती हैं। पंचम भाव में अगर चंद्र बैठा है तो ऐसे लोग साहित्य लिटरेचर पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसे लोगों की किसी भाषा पर बहुत अच्छी कमांड होती है। मैं मदर लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा, मदर लैंग्वेज से अलग किसी भाषा पर इन लोगों की बहुत अच्छी कमांड होती है, या फिर हो सकता है कि कोई प्राचीन भाषा में ये लोग इंटरेस्ट रखते हों, या प्राचीन साहित्य में किसी प्रकार का ये लोग इंटरेस्ट रखते हों। जैसे कि पंचम भाव में अगर किसी का चंद्र बैठा है तो ऐसा जातक हो सकता है संस्कृत में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हो, या संस्कृत के ग्रंथों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हो, अलग अलग इंटरेस्ट हो सकते हैं। जन्म कुंडली के सिक्स्थ हाउस में जिन लोगों का चंद्र होता है ऐसे लोगों को अक्सर हेल्थ इश्यूज़ देखे जाते हैं, क्योंकि सिक्स्थ हाउस रोग का भाव है। अब जब यहाँ पर चंद्र बैठेगा तो कहीं ना कहीं आपकी मानसिक स्थिति को रोग से जोड़ेगा, और सिक्स्थ हाउस में अगर चंद्र बैठा तो ये भी देखा जाता है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव होते हैं,
ऐसे लोग रिस्क लेने से नहीं डरते क्योंकि मन की स्थिति रिस्क लेने के भाव में बैठी है। तो दोनों ही तरह की चीज़ें इनके साथ होती हैं, हेल्थ इश्यूज़ इनको होते हैं मगर ये रिस्क लेने से नहीं डरते, ये एकदम बब्बर शेर बनकर जीना चाहते हैं, ये अपने कंपटीटर को ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। और इसलिए सिक्स हाउस में अगर चंद्र बैठा है और पंचम भाव स्ट्रांग है तो ऐसे लोग बड़े से बड़े कंपटीशन को बहुत इजीली क्रैक कर लेते हैं। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में अगर चंद्र बैठा है तो कई बार ये रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता, स्पेशली अगर जन्म कुंडली के सप्तम भाव में चंद्र अकेला बैठा है, क्योंकि देखिएगा पुरुष कुंडली में चंद्र स्त्री का कारक है और सप्तम भाव आपके स्पाउस का हाउस है। तो ऐसे लोगों के देखे जाते हैं कि कई बार मल्टीपल अफेयर्स होते हैं, फीमेल्स के हॉरोस्कोप में भी अक्सर ऐसा देखा जाता है, या फिर इनका स्पाउस ओवर इमोशनल होता है जिस कारण इनका अपने स्पाउस के साथ में बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण जीवन कई बार देखा जाता है। सप्तम भाव में अगर चंद्र बैठा है तो ऐसे जातकों को अपने प्राइवेट पार्ट में किसी प्रकार का इश्यू हो सकता है, मेल हो या फीमेल उनके प्राइवेट पार्ट्स में किसी ना किसी प्रकार की डिसीज़ होने की संभावना होती है। जन्म कुंडली के अष्टम भाव में साधारणतः चंद्र को अच्छा नहीं माना जाता। बलारिष्ट योग का निर्माण जन्म कुंडली के अष्टम भाव में चंद्र के जाने से होता है। जिस भी जातक का अष्टम भाव में चंद्र होता है ऐसे जातक के माता पिता को सलाह दी जाती है कि जन्म के शुरुआती 12 वर्ष बच्चे का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि 12 वर्ष की जो आयु है, जन्म से 12 वर्ष तक की आयु चंद्र के द्वारा कंट्रोल की जाती है। अब अष्टम भाव क्योंकि मृत्यु का भाव है तो इसलिए अष्टम भाव में जब चंद्र जाता है तो इसको अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि जब अष्टम भाव में चंद्र जाता है तो बाद में ऐसे जातक कई बार बहुत ज़्यादा विद्वान हो जाते हैं, क्योंकि अष्टम भाव गुण रहस्यों का ही भाव है, तो आपका मन गुण रहस्यों को जानने में लगा हुआ है। अष्टम भाव कहीं ना कहीं ज्योतिष तंत्र मंत्र और संन्यास का भाव भी है, इसलिए ऐसे लोग कई बार बहुत बड़े तांत्रिक बनते हुए आपको दिखेंगे या फिर संन्यास मार्ग की ओर अग्रसर होते हुए देखेंगे। ऐसे लोग मंत्र साधना करने में कई बार बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं और कई बार इनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाए, सही गुरु नहीं मिल पाए, तो कई बार अष्टम भाव का है चंद्र इनको मानसिक पीड़ा बहुत ही ज़्यादा देने में सक्षम होता है। अष्टम भाव में चंद्र बैठा है तो पेट्रोलियम जैसे किसी प्रोडक्ट में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, वहाँ से बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जन्म कुंडली के नवम भाव में अगर चंद्र बैठे हैं तो यह व्यक्ति के लिए अपने आप में बहुत ही सुखद स्थिति होती है, क्योंकि नवम भाव भाग्य का भाव है, आध्यात्म का भाव है, नवम भाव हायर एजुकेशन का भाव है। अब आपका मन हायर एजुकेशन में लगा हुआ है, आध्यात्म में लगा हुआ है, आपका भाग्य और आपके मन का मिलन हो रहा है, तो यह किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है, क्योंकि अगर आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, आप आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, मंदिर का भाव भी नवम भाव का आता है तो आप मंदिर से या धर्म स्थानों से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी मानसिक स्थिति अपने आप में सुदृढ़ होती जाएगी। और जब किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति सुदृढ़ हो जाती है, उस पर ईश्वर की कृपा आती जाती है, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बड़ा सा बड़ा अचीवमेंट प्राप्त कर सकता है। जन्म कुंडली के दसम भाव में भी चंद्र की स्थिति बहुत ही अच्छी मानी जाती है, क्योंकि दसम भाव कर्म का भाव है और हम सभी का जन्म कुछ ना कुछ काम करने के लिए हुआ है, तो व्यक्ति का जो पूरा का पूरा मन तन होता है वो अपने काम के प्रति समर्पित होता है। और जब कोई व्यक्ति अपने मन तन को अपने काम के प्रति समर्पित कर देता है तो जीवन में बड़ा अचीवमेंट प्राप्त करता है। किंतु यहाँ पर ऐसे लोग कई बार अपने काम में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो अपने सुख का, अपनी पर्सनल लाइफ का कोई भी ध्यान नहीं रखते, तो यह स्थिति ऐसे लोगों को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दसम भाव राजसुख का भाव भी है और चंद्र को एक रॉयल प्लैनेट माना गया है, तो इसलिए दसम भाव में चंद्र बैठता है तो जातक को कहीं ना कहीं राजसुख देने में सक्षम होता है। जन्म कुंडली के लाभ भाव में अगर चंद्र बैठता है तो ऐसे लोगों को कई बार बहुत ही बढ़िया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करके अच्छा लाभ होता है, क्योंकि चंद्र कैश फ्लो का कारक है। शुक्र को कैश माना गया है मगर कैश फ्लो जो प्रोवाइड करता है वो चंद्र का प्रभाव प्रदान करता है, तो लाभ भाव में जब चंद्र बैठेगा तो आपके लाभ को कहीं ना कहीं कैश फ्लो से जोड़ेगा, ट्रांजैक्शन से जोड़ेगा, तो इसलिए लाभ भाव में चंद्र का बैठना व्यक्ति को कई बार बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट कराता है। लाभ भाव में अगर चंद्र बैठेगा तो वह जन्म कुंडली के काम त्रिकोण को कंट्रोल करता है और इसलिए ऐसे लोग आजीवन धन कमाने के मार्ग पर अग्रसर रहते हैं।
जन्म कुंडली के वह भाव में जब चंद्र बैठता है तो ऐसे में व्यक्ति को विदेश के माध्यम से बहुत अच्छा लाभ करा सकता है। लंबी दूरी की यात्राएं अक्सर विदेश भाव में अगर चंद्र बैठता है तो ऐसे जातक के जीवन में देखी जाती है। 12th हाउस में जब चंद्र बैठेगा तो ऐसे लोगों को हॉस्पिटल इंडस्ट्री से जोड़ सकता है, क्योंकि आपका मन हॉस्पिटल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है 12th हाउस, क्योंकि हॉस्पिटल इंडस्ट्री का है। 12th हाउस में अगर चंद्र बैठेगा तो ऐसे लोगों को हाई लेवल की स्पिरिचुअलिटी से जोड़ेगा, क्योंकि 12th हाउस हाई लेवल की स्पिरिचुअलिटी भी है। मन का भाव, मन का कारक और हाई लेवल की स्पिरिचुअलिटी का भाव जुड़ेगा तो व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक की भावना उत्पन्न होगी ही होगी। 12th हाउस में अगर चंद्र बैठा है और वो पीड़ित नहीं है तो ऐसे लोगों की नींद बहुत अच्छी होगी, ऐसे लोगों की मानसिक स्थिति एकदम बैलेंस होगी। 12th हाउस में बैठे चंद्र को कई बार व्यय का कारक माना गया है, क्योंकि व्यय भाव में चंद्र योगी जैसे कि मैंने कहा कैश फ्लो है, तो व्यय भाव में कैश फ्लो बैठा है तो ऐसे लोगों को कई बार इसलिए आदत होती है कि ये लोग बेहताशा खर्च करते हैं, इनके पास जितना भी पैसा है उसको ये उड़ा देते हैं, एक लग्जरी लाइफ जीने वाले ही लोग होते हैं, तो इसलिए कई बार इनके पास सेविंग्स नहीं होती, किंतु ये अपने जीवन का आनंद बहुत अच्छे से लेते हैं। ये अपनी नींद पैसे के चक्कर में सांसारिक विषयों की चिंतन में नहीं गंवाते। तो जन्म कुंडली के किस भाव में चंद्र बैठा है उसके अनुसार व्यक्ति की मानसिक स्थिति होती है। तो आप जन्म कुंडली किस भाव में चंद्र बैठा है केवल यह देखकर ही किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति और उसको अपने जीवन में किस प्रकार के सुख प्राप्त होने वाले हैं यह जान सकते हैं। तो होपफुली आपका आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो जुड़ रहेगा इष्ट सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।